समय पाए फल होते हैं, समय पाए झरी जात, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछतात। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई रहीमदास जी ने इस दोहे में समझा दी। इस सच्चाई को जितनी जल्दी हम समझ ले हमारे लिए उतना अच्छा है। हम इसीलिए दुखी होते हैं, अपसेट होते हैं, हार मान जाते हैं, क्योंकि हमारी हर चीज़ों से एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती है कि जब वो पूरी नहीं होती तो हम उदास हो जाते हैं, हार जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? ऐसा क्या करें कि ये सारी फीलिंग्स का सामना ना करना पड़े, ये सारे इमोशंस का सामना ना करना पड़े? सिंपल सा सल्यूशन है, एक्सेप्ट दैट चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट। और ये बात सिर्फ दुनिया को लेके एक्सेप्ट मत करो, खुद को लेके भी, अपने रिश्तों को लेकर भी, अपने करियर को लेकर भी, अपने लग्जरीज को लेकर भी, अपने लाइफस्टाइल को लेकर भी। कोई भी चीज एक समान नहीं चलती, सब चेंज होता है, सिचुएशंस चेंज होते हैं, जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो जिंदगी का हिस्सा है। कभी अच्छे दिन होंगे, कभी बुरे, पर हम इन चीजों को लेके नॉर्मल कब होंगे? जब हम ये सोचना बंद करेंगे कि सारी चीजें हमेशा सेम टू सेम रहेगी, एकदम एग्जैक्ट रहेगी, ऐसी ही रहेगी जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्प्रिंग सीजन में पेड़ों पर फ्रूट्स लगाते हैं, अच्छी अच्छी पत्तियां होती है, हरा भरा हो जाता है, लेकिन वहीं ऑटम आते आते वो पेड़ पूरा खाली हो जाता है, सब झड़ जाता है, सब नीचे गिर जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगले स्प्रिंग में वो वापस हरा भरा नहीं होगा? नहीं, ये चीज हमेशा आती जाती रहती है, ये चेंजेस हमेशा लगे रहते हैं। और ऐसा इंसान ऑपोजिट सिचुएशंस में भी काम रहता है, जो ये मान के चलता है कि ऐसा होना है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो अपनी जिंदगी से ये ऑल टाइम सब परफेक्ट रहेगा, सब हमारे हिसाब से रहेगा, ये एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दो। इसकी जगह ये मानना शुरू कर दो कि जो भी रहेगा मैं हैंडल कर लूंगा, जैसी भी सिचुएशन होगी मैं बिखरूंगा नहीं, वो मुझे बिखरा नहीं पाएगी, हरा नहीं पाएगी, उदास नहीं कर पाएगी, मायूस नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर ये सिचुएशंस टफ है तो मैं उससे ज्यादा टफ हूं।